to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today, we are going to start a new topic of your syllabus. आज हम आपके syllabus के new topic को start करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. Students, हमारा आज का topic है computer की पीढ़ियाँ, जिसको हम generations of computer भी बोलते हैं. इसको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है. पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी और पांचवी. इनका कुछ ये अप्रॉक्सीमेट समय बताया जाता है. जैसे कि पहली पीढ़ी का समय लगभग दिया जाता है 1940 से सन 1956 तक. इसी तरीके से दूसरी पीढ़ी का समय बताया जाता है 1956 से 1963 तक. तीसरी पीढ़ी के लिए 1963 से 1971. चौथी पीढ़ी के लिए 1972 से 2010. और पांचवी पीढ़ी जो कि 2010 से अभी भी चल रही है. पांचवी पीढ़ी अभी हमारी जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रही है वो 5th जनरेशन पांचवी पीढ़ी चल रही है, जो कि अग्रिम स्थिति तक है. हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है. पीढ़ियों का मतलब ये है कि जैसे जैसे कंप्यूटर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं और उसके भाग, उनमें जो भी विकास होता रहता है, जो भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसके आधार पर ये पीढ़ियाँ जो हैं वो बदलती जाती हैं. उस आधार पे हमने पहली पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक इन अपने इस कंप्यूटर को बांटा हुआ है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली पीढ़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर आते हैं और उनके उदाहरण और उनके बारे में हम अब पहली पीढ़ी में पढ़ेंगे. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन जो हमारी थी सबसे पहले, उसमें जो हम जो जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे वो बहुत ही पहले प्रारंभिक थी. मतलब उसमें क्या था, बेसिक चीजें यूज होती थी. जैसे कि हमारी मेन, उसमें जो उसका मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करके हम उस सिस्टम को तैयार करते थे और उसमें एक दो नहीं हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, जिसके कारण वो आकार में बहुत बड़े होते थे और पावर भी बहुत ज़्यादा ग्रहण करते थे. और आकार में बड़े होने में और पावर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से उससे गर्मी भी बहुत ज़्यादा वो उत्पन्न करते थे. सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कॉमर्शियल कंप्यूटर बना था, उसका नाम था यूनिवैग, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि 1951 में बना था, 1951 में. इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारा ये ENIAC, EDSAC और EDVAC. ये हमारे उस पीढ़ी के, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम हैं, जिसमें से जैसे कि हमारा ये ENIAC है, इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इसी तरीके से हमारा है यहाँ पर EDSAC, इसका नेम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. इसी तरीके से हमारा EDVAC था, EDVAC का नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं, इनमें हम वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से इनका जो साइज था वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों से काफी कम हो गया. इनके उदाहरण PDR-1, NCR-304, IBM-1602 और UNIVAC-1107, ये इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं. ट्रांजिस्टर के प्रयोग करने की वजह से इनकी साइज तो कम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इनकी गति भी बहुत अधिक बढ़ गई. पहली पीढ़ी की अपेक्षा इनकी जो स्पीड थी काम करने की वो बहुत ज़्यादा, उसमें चेंजेस आ गए और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब हम देखेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर. इसमें क्या था, इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पे जो चीज़ का प्रयोग किया गया वो थी IC, मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता था कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल कंपोनेंट में, एक सिंगल चिप में इमर्ज करके फिर उसको यूज करते हैं. इसकी वजह से क्या होता था कि जहाँ पे बहुत सारी, बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करना पड़ता था, अब वहाँ पर एक IC में काम हो जाता था, जिस वजह से क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत ही कम हो गया और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा. पावर भी बहुत कम ग्रहण करने लगे, हीट भी बहुत कम जनरेट करने लगे. ये सब
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के फायदे हुए और उनके उदाहरण PDP-8, Cray-1, IBM 360 एंड PDP-11। ये कुछ उदाहरण है जो कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के हैं। अब हम देखेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी में जिस तरीके से हमने तीसरी पीढ़ी में बताया कि IC का प्रयोग किया गया, यहाँ पर IC का प्रयोग को थोड़ा सा चेंज करके किया गया। मीन्स यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी लाई गई जिसका नाम है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीन्स होता है बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना, और लार्ज स्केल का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे। हमने क्या किया कि बहुत सारे जो उसके एलिमेंट्स थे उनको हमने एक छोटी सी आईसी में बहुत बड़े पैमाने पे उसको कॉम्बिनेशन, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट बड़ा होता था वो बहुत ही छोटा हो गया, और सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का साइज भी बहुत छोटा हो गया। साइज छोटा होने से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता था, हीट बहुत कम जनरेट करने लगा हमारा सिस्टम, और उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस समय अनुसंधान जारी है, और इस प्रकार के कंप्यूटर में हम इस समय जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो हम इसमें जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, तो उसमें रिसर्च करने पे क्या करना पड़ रहा है। अब हम इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सिस्टम बने उनको हमें अब कम से कम इंस्ट्रक्शन देने पड़े और वो स्वयं अपने निर्णय लेने की क्षमता रखें, और जो भी कार्य हम उससे कराना चाहते हैं वो समय समय पे बिना किसी निर्देश को दिए हुए करने की कार्य कर पाएं। इस प्रकार के कंप्यूटरों को इस समय हम बनाने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। इनके जो उदाहरण हैं उसको हम एक उदाहरण से रिलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से रोबोटिक्स होता है। रोबोट एक तरीके से इस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण बोला जा सकता है, लेकिन अब हम जो उसमें नए रिसर्च कर रहे हैं तो हम उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च चल रहा है कि अब हम रोबोट को भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तब वो वर्क करता है। अब हम इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि कम से कम इंस्ट्रक्शन देते हुए उससे हम कार्य करा सकें। फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हमारे हुए हैं उनके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सब जो हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टूडे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।